नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। दिन 14 मई 1987, भारत के उस समय के विदेश मंत्री एनडी तिवारी की गाड़ी साउथ ब्लॉक की वीवीआईपी पार्किंग में आकर रुकती है। एसी गाड़ी से नीचे उतर रहे एनडी तिवारी अपने माथे से पसीना पहुंचते हुए इनर चैम्बर की तरफ चलने लगते हैं, जहां प्रधानमंत्री राजीव गांधी बैठा करते थे। वैसे तो ये मई का महीना था और दिल्ली की गर्मी लोगों के खूब पसीने छुड़ा रही थी, लेकिन तिवारी जी के इन पसीनों का कारण ये गर्मी नहीं बल्कि वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, जिसे अपने हाथों में लिए वो प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। R&AW द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में बॉर्डर पर चीन की उन भावी गतिविधियों का कच्चा चिट्ठा था जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक साबित हो सकती थीं। कुछ घंटों तक इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद जब एनडी तिवारी वापस जाने के लिए खड़े होते हैं, तब तक राजीव गांधी का रुमाल भी उनके माथे पर पहुँच चुका होता है। इससे पहले कि राजीव गांधी इस रिपोर्ट के सदमे से उबर पाते, उनकी मेज पर रखा एक लैंडलाइन फोन बजने लगता है। घर जाने की तैयारी कर रहे प्रधानमंत्री इधर फोन उठाते हैं और उधर 10 सेकंड बाद उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उतर जाता है। लगभग 5 मिनट चली इस कॉल के बाद राजीव गांधी अभी फोन नीचे रखते ही हैं कि उनके ऑफिस में एक बार फिर एनडी तिवारी की एंट्री होती है, और इस बार दौड़कर वापस आए तिवारी जी हांफते हुए बस इतना ही कह पाते हैं, सर फीजी, वो फीजी जी। साउथ पैसिफिक ओशियन यानी के दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित फिजी नामक एक छोटे से देश में अभी थोड़ी देर पहले ही फौज ने विद्रोह कर दिया था, एक लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट दिया था। एक देश जिसमें रहने वाले आधे लोग भारतीय थे, अब उसकी कमान एक ऐसे तानाशाह के हाथ में आ चुकी थी जो इन भारतीयों का दम घोटना चाहता था। लाखों भारतीयों से उनके मौलिक और संवैधानिक अधिकार छीन वो उनके जीवन को एक जीता जागता नरक बना देना चाहता था। लेकिन भारत राष्ट्र ऐसा होते हुए नहीं देख सकता था। लाखों भारतीयों के जीवन का प्रश्न था और भारत सरकार को कुछ भी करके इस तानाशाह की कुर्सी गिरानी ही थी। विफल डिप्लोमेटिक प्रयासों के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी फिजी के इन भारतीयों का भविष्य अपने इंटेलिजेंस के हाथों में सौंप देते हैं, R&AW के ऐसे 3 एजेंट्स के हाथों में जिन्हें साम दाम दंड भेद का महारथी कहा जाता था। 3 देशभक्त जासूस जो विदेशी धरती पर अदृश्य हो कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए जाने जाते थे। फिजी के इस तानाशाह को सबक सिखाने और लाखों भारतीयों की जान बचाने वाले इस मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन फिजी, और इसको अंजाम देने वाले रॉकेन एजेंट्स को द 3 अवेंजर्स। नमस्कार, जय मां भारती। फिजी 330 छोटे छोटे द्वीपों का यह देश ऑस्ट्रेलिया से लगभग 3000 और न्यूजीलैंड से तो केवल 1500 मील की दूरी पर है। 1970 में अंग्रेजों से मुक्त हुए इस देश को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ की लगभग आधी आबादी भारतीय मूल की है, और शायद यही वो कारण था कि फिजी को आजादी दिलाने में भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब 1970 में अंग्रेजों ने फिजी को मुक्ति तो दे दी थी, लेकिन जाते जाते उन्होंने वहां पर भी बिल्कुल वैसे ही बीज बो दिए थे जिन बीजों ने कभी भारत का विभाजन करवाया था। चोर चोरी से जा सकता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं। अपनी आदत से मजबूर अंग्रेजों ने फिजी छोड़ने से पहले वहां पर एक ऐसी राजनीतिक पार्टी को सत्ता आसीन कर दिया था जो भारतीय मूल के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इस पार्टी को अंग्रेजों ने ही खड़ा किया था और इसके मैनिफेस्टो का हर एक अक्षर चीख चीख कर भारतीय मूल के लोगों का विरोध कर रहा था।
था। यह अंग्रेजों की एक ऐसी शैतानी चाल थी जो आने वाले समय में फिजी के लाखों भारतीयों का जीवन दुभर करने वाली थी। उनसे उनकी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके संवैधानिक, मौलिक और यहाँ तक कि मानवीय अधिकार भी छीनने वाली थी। अब सात समंदर पार ही सही, लेकिन लाखों भारतीयों के ऊपर अत्याचार होता रहे और इधर भारत राष्ट्र चुपचाप बैठा रहे, अपने हाथों पर हाथ धरे तमाशा देखता रहे, ऐसा आखिर कैसे हो सकता था। भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में कुछ लोग ऐसे थे जो अपने इन भारतीय भाइयों बहनों की सहायता करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, दुनिया की सारी हदें सारी सीमाएं लांघने को तैयार थे। उन्नीसवीं सदी में फिजी और भारत दोनों ही अंग्रेजों की कॉलोनीज थे और इन दोनों में ही अंग्रेजी सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खेती से आता था। लेकिन जहां भारत एक कृषि प्रधान देश था और यहां किसानों की कोई कमी नहीं थी, वहां फिजी में ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस द्वीप के पास उपजाऊ भूमि तो थी, लेकिन उस पर काम करने वाले किसान और मजदूर नहीं। इसीलिए 1879 में पहली बार अंग्रेज सरकार यूपी और बिहार से लोगों को फिजी लेकर जाती है, जहां उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह दिन रात खेतों में काम करवाया जाने लगता है। हर साल कुछ हजार करते करते भारत से आने वाले इन मजदूरों की संख्या धीरे धीरे लाखों में पहुंच जाती है और 1947 आते आते फिजी में रहने वाली भारतीय आबादी लगभग फिजियंस के ही बराबर पहुंच चुकी होती है। उन्नीस में अंग्रेज सरकार द्वारा फिजी का सबसे पहला सेंसस करवाया जाता है। इस समय फिजी की कुल जनसंख्या 3,87,646 थी और इसमें से 1,91,328 यानी के लगभग 50% लोग भारतीय मूल के थे। इस समय फिजी में पैदा होने वाले हर हजार बच्चों में से 46.46 भारतीय जबकि 36.36 फिजियन मूल के हुआ करते थे। शायद यही आंकड़े कारण थे कि नॉन अलाइनमेंट ब्लॉक का हिस्सा बनने के बावजूद भी पहले पंडित नेहरू और फिर शास्त्री जी और मिसेस गांधी जैसे प्रधानमंत्री भी फिजी की आजादी के लिए लगातार अपनी आवाज उठाते रहे थे। इससे पहले के फिजी की राजधानी सुवा से आखिरी ब्रिटिश जहाज लंदन के लिए निकल पाता, अंग्रेज फिजी में एक प्रो वेस्टर्न सरकार की स्थापना कर देते हैं। ये सरकार अलायंस पार्टी नामक एक राजनीतिक दल ने बनाई थी जिसके नेता का नाम था रातू मारा। भारतीयों से घृणा करने वाला एक फिजियन नेता जिसे लगभग 2.25 लाख फिजियंस का समर्थन प्राप्त था। वहीं ऑपोजिशन में बैठे दल का नाम था फेडरेशन पार्टी, एक दल जिसे फिजी के लगभग 2.75 लाख भारतीय अपना एकजुट समर्थन दे रहे थे। जहां फेडरेशन पार्टी की स्थापना 1964 में एडी पटेल द्वारा की गई थी, वहीं अलायंस पार्टी को 1966 में रातू मारा ने अंग्रेजों की सहायता से खड़ा किया था। 1970 में आई एक CIA रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही फिजियन मूल के लोगों में भारतीयों के प्रति जलन पैदा होने लगी थी। फिजी के भारतीय जो आमतौर पर ज्यादा पढ़े लिखे और समृद्ध थे, अब उन्हें फिजियंस की तरक्की के रास्ते में एक अवरोध की तरह देखा जा रहा था। लेकिन रातू मारा की भेदभाव से भरी पॉलिसीज के बावजूद भी फिजी के व्यापार जगत में भारतीयों का ही बोलबाला था। सरकार द्वारा पढ़ाई और नौकरियों में फिजियंस को रिजर्वेशन दिए जाने के बावजूद भी भारतीय उच्च शिक्षा में सबसे आगे थे। राजनीतिक तौर पर दूसरे दर्जे का जीवन जीने को मजबूर ये भारतीय अपनी मेहनत के बल पर धीरे धीरे काफी अच्छी आर्थिक तरक्की करने लगे थे। फिजियन मूल के लोगों से मिल रहे समर्थन के बल पर रातू मारा पूरे 16 साल तक फिजी के ऊपर राज करता है। लेकिन इस समय के दौरान फिजी में और भी कई राजनीतिक पार्टियां जन्म लेती हैं और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना भी सीख जाती हैं। ऐसी एक पार्टी का नाम था फिजी लेबर पार्टी, जिसकी स्थापना 1985 में टिमोकी बवाद्रा नामक एक फिजियन मूल के नेता ने की थी। अप्रैल 1987 में हुए सामान्य चुनावों में लेबर और फेडरेशन पार्टी के गठबंधन को उस समय की पार्लियामेंट की 70 सीटों में से 30 सीटों के ऊपर जीत मिलती है, जबकि रातू मारा की अलायंस पार्टी को केवल 24 सीटों पर। इस तरह मारा के 16 साल पुराने वर्चस्व को खत्म करते हुए लेबर और फेडरेशन पार्टी का गठबंधन अपनी सरकार बना लेता है और टिमोकी बवाद्रा फिजी के दूसरे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बवाद्रा की सरकार इंडो फिजियंस के समर्थन से बनी थी, इसीलिए उनकी कैबिनेट में 8 मंत्री भारतीय मूल के होते हैं और बाकी पदों पर भी भारतीयों को एक अच्छी संख्या में नियुक्त किया जाता है।
16 साल में पहली बार जहां फिजी के भारतीय बहुत ज्यादा खुश थे, वहीं कोई तो ऐसा था जिससे ये खुशी जरा सी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बवाद्रा को प्रधानमंत्री बने ठीक से अभी एक महीना भी नहीं हुआ था कि 14 मई 1987 की सुबह 20 फौजी फिजी की पार्लियामेंट के अंदर घुसते हैं और प्रधानमंत्री बवाद्रा समेत उनकी पूरी कैबिनेट को बंदी बना लेते हैं। इस सैन्य विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था कर्नल सितिवेनी रबुका, फिजियन मूल का एक ऐसा मिलिट्री ऑफिसर जो किसी भी कीमत पर भारतीयों को फिजी से बाहर निकालना चाहता था। ये वो समय था जब परिस्थितियों ने राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया था। देश के ज्यादातर राज्यों में सूखा पड़ा हुआ था, एक बॉर्डर पर चीन और दूसरे पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, पंजाब अभी भी सुलग रहा था और श्रीलंका ने भी अच्छा खासा नाक में दम किया हुआ था। कहने का मतलब ये कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्लेट पहले से ही पूरी तरह ऊपर तक भरी हुई थी और अब वो फिजी नाम के इस एक और सरदर्द को मोल लेने से थोड़ा सा डर रहे थे। फिजी के ऊपर प्रधानमंत्री के संकोच को एनडी तिवारी तुरंत भांप लेते हैं और उन्हें इस छोटे से देश की महत्ता के बारे में समझाते हुए कहते हैं, मिस्टर गांधी, फिजी हमारे लिए मात्र कोई दूसरा देश नहीं है बल्कि दक्षिण प्रशांत में बसा भारत का ही एक अंश है। ये वो देश है जहां की लगभग आधी आबादी भारतीय है और इन भारतीयों में ज्यादातर लोग यूपी और बिहार के हिंदू हैं। एक ऐसे समय में जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम उन्हें उनके हाल पर मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? वो भारतीय जिन्हें कभी जबरदस्ती फिजी ले जाया गया था, आज आस भरी नजरों से हमारी तरफ देख रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर कोई उनकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ हम हैं, और अगर हमने ही उनसे मुंह मोड़ लिया तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दुनिया को तो छोड़िए, हम खुद को भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। एनडी तिवारी के इन भावुक शब्दों को सुनने के बाद प्रधानमंत्री गांधी बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं, थोड़ी देर तक कुछ सोचते हैं और फिर वहीं मौजूद रॉ चीफ एके वर्मा की तरफ देखते हुए कहते हैं, मिस्टर वर्मा, मुझे 24 घंटों के अंदर अंदर फिजी के ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए। पीएम से आदेश मिलते ही एके वर्मा अपने एक ऐसे इंटेलिजेंस ऑफिसर को मीटिंग के लिए बुलाते हैं जो विदेशी धरती पर ऑपरेशंस करने में काफी अनुभव रखता था। इस एजेंट का कोड नेम था प्रेम शेखावत। अगले कुछ घंटों तक ये दोनों ऑफिसर्स फिजी के ऊपर CIA, MI6 और खुद RNAW द्वारा लिखी गई सैकड़ों क्लासिफाइड रिपोर्ट्स के पन्ने खंगालने में लग जाते हैं। अगले दिन विदेश मंत्री एनडी तिवारी और रॉ चीफ एके वर्मा प्रधानमंत्री के सामने फिजी के ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे पहले हुए फौजी विद्रोह के बीच फिजी की आजादी के पहले दिन से ही बोने शुरू कर दिए गए थे। बीज जिन्हें बोने का काम अंग्रेजों के चाटुकार और फिजी के पहले प्रधानमंत्री रातू मारा ने किया था। हिंदुओं और उनके मंदिरों से नफरत करने वाले रातू मारा ने पहले दिन से ही फिजी की सेना में ऐसे अफसरों को भर्ती कर ऊपर चढ़ाया था जो भारतीयों के प्रति उसके जैसी ही सोच रखते थे, और आज 1987 में फिजी का तख्ता पलटने वाला सितिवेनी रबुका भी ऐसा ही एक फौजी अफसर था। RNAW का ये मूल्यांकन आने वाले दिनों में बिल्कुल सटीक साबित होता है। विद्रोह के कुछ दिनों बाद ही कर्नल रबुका खुद को फिजी का प्रधानमंत्री घोषित कर रातू मारा को राष्ट्रपति के पद पर बिठा देता है। एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी, विदेश मंत्री एनडी तिवारी और रॉ चीफ एके वर्मा के बीच एक और मीटिंग होती है जिसका टॉपिक था फिजी के भारतीयों की सहायता के लिए कूटनीतिक दबाव और गुप्त कार्यवाही। RNAW को आखिरी आदेश देने से पहले राजीव गांधी एक बार डिप्लोमेटिक प्रयास भी करके देखना चाहते थे। वो भरपूर प्रयास करते हैं लेकिन इनका कोई फल नहीं निकल पाता। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश फिजी में हुए सैन्य विद्रोह का खुलकर विरोध तो कर रहे थे लेकिन उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे।
कुछ दिनों बाद सुवा से RNAW के हेडक्वार्टर से केबल भेजा जाता है, जिसे पढ़ के राजीव गांधी और ज्यादा घबरा जाते हैं। इस केबल के अनुसार फिजी की पिछली सरकार में वित्त मंत्री रहे महेंद्र चौधरी को रबुका द्वारा गिरफ्तार करके कई घंटों तक ग्रिल किया गया था। एक तरफ तो भारतीय मूल के नेताओं के साथ ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ रबुका के आदेश पर भारतीयों की दुकानों और मंदिरों के ऊपर ताले लगा दिए गए थे। यहां तक कि बिना अनुमति के पूजा पाठ करने पर भी रोक लगा दी गई थी। लेकिन इस केबल में लिखी सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह थी कि फिजी की राजधानी सुवा में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुके थे और इनकी आड़ में रबुका के सिविलियन समर्थक और फौजी दोनों ही चुन चुन के भारतीयों को निशाना बना रहे थे। फिजी में हुए सैन्य विद्रोह के कुछ हफ्तों बाद एक तरफ तो राजीव गांधी बहुत ही सख्त शब्दों का प्रयोग करते हुए पूरी दुनिया के लिए बयान जारी करते हैं और वहीं दूसरी तरफ RNAW को कोवर्ट मिशन करने की अनुमति भी दे देते हैं। एक कोवर्ट मिशन जिसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन फिजी। प्रधानमंत्री से आदेश मिलते ही ऑपरेशन फिजी के लिए RNAW के अंदर एक स्पेशल यूनिट का गठन कर दिया जाता है। संपूर्ण स्वतंत्रता और असीमित बजट वाली इस यूनिट में RNAW के तीन सबसे निडर और चालाक जासूसों को चुना जाता है। तीन जासूस जिनको नाम दिया गया था द थ्री अवेंजर्स। इक्कीस मार्च 1988 की दोपहर एक 35 वर्षीय भारतीय व्यापारी लंदन के एक अत्यंत महंगे रेस्टोरेंट के VIP डाइनिंग रूम में प्रवेश करता है और सबसे आगे वाली टेबल पर जाकर बैठ जाता है। अपने एक हाथ से पानी पीते हुए ये भारतीय पहले तो अच्छे से चारों तरफ नजरें घुमाता है और फिर खड़ा हो एक दूसरी मेज पर जाकर बैठ जाता है, जिस पर पहले से ही एक गोरा व्यक्ति बैठा हुआ था। इस भारतीय के मेज पर बैठते ही ये गोरा आदमी वेट्रेस को बुला दो टमेटो सूप ऑर्डर कर देता है और जैसे ही ये वेट्रेस वहां से जाती है, ये दोनों आदमी हंसते हुए खड़े होते हैं और पूरी गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। भारतीय व्यापारी को देख खुशी से भर उठे इस 45 वर्षीय गोरे का नाम है सैमुअल कूपर और ये ऑस्ट्रेलिया में चीनी का एक बहुत बड़ा व्यापारी है। वहीं लंदन के इस रेस्टोरेंट में कूपर से मिल रहे इस भारतीय बिजनेसमैन का नाम है अनुपम मलिक, लेकिन ये वास्तव में कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि RNAW का एक एजेंट है, द थ्री अवेंजर्स का सबसे सीनियर मेंबर है। बोलो मलिक, क्या अर्जेंट बात करनी है? अब ये मत कहना कि तुमने मुझे सिडनी से यहाँ बस लंच के लिए बुलाया है। कूपर की ये बात सुन अपनी चम्मच को नीचे रखते हुए एजेंट मलिक सीधा पॉइंट पर आ जाते हैं। फिजी में तुम्हारे कॉन्टेक्ट को एक्टिवेट करना है, कितना खर्चा आएगा? फिजी का नाम सुन थोड़ा सा चौंक चुका कूपर अभी कुछ बोल पाता कि एजेंट मलिक आगे कहते हैं, मुझे सिडनी में एक सेफ हाउस भी चाहिए और फिजी में तुम्हारे एसेट से हर संभव मदद भी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वहाँ भारतीयों के साथ क्या कुछ हो रहा है। असल में सैमुअल कूपर ऑस्ट्रेलिया से यूके चीनी एक्सपोर्ट करने का काम करता था और उसका सारा माल फिजी के रास्ते ही यूके के तटों तक जाया करता था। पूरे यूरोप में अपने व्यापार को फैलाने का सपना देखने वाले कूपर और एजेंट मलिक की पहली मुलाकात 1982 में लंदन स्थित ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में एक डिनर के दौरान हुई थी। उस समय अनुपम मलिक एक जूनियर डिप्लोमेट के तौर पर लंदन में पोस्टेड थे और उन्होंने कूपर के बिजनेस का विस्तार करवाने में उसकी काफी मदद की थी। अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर मलिक ने कूपर का कई यूरोपियन एक्सपोर्ट हाउसेस के साथ परिचय करवाया था और इससे खुश हो कूपर ने उनको वचन दिया था कि समय आने पर वो उनके इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगा। आज 5 साल बाद बदला चुकाने का समय आ चुका था और एजेंट मलिक कूपर को उसका वो वचन याद दिलाने में जरा सी भी देर नहीं लगाते। तुम्हारा काम हो जाएगा, मुझे बस कुछ हफ्तों का समय दे दो, वैसे तुम सिडनी कब आ रहे हो? कूपर की ये बात खत्म होते ही एजेंट मलिक उत्तर देते हैं, अगले हफ्ते आ रहा हूँ और हाँ, मुझे वेलिंगटन में भी एक कॉन्टैक्ट चाहिए होगा, कोई ऐसा आदमी जो सेफ हाउस गाड़ियाँ और फेक आईडी उपलब्ध कराने में एक्सपर्ट हो। इसी दिन शाम को एजेंट मलिक थ्री अवेंजर्स के दूसरे सदस्य संजीव सहगल को फोन करते हैं जो उस समय दिल्ली में थे। मलिक सहगल को न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन जाने की तैयारी शुरू करने का आदेश देते हुए बताते हैं कि बाकी की डिटेल्स उन तक अगले कुछ दिनों में एक डिप्लोमेटिक पार्सल द्वारा पहुंचा दी जाएंगी। इसी दौरान एवेंजर्स के तीसरे मेंबर कैलाश सिंह भी अपने प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर चुके थे। उन्होंने दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में एक सेफ हाउस का इंतजाम कर लिया था और अपनी कवर आइडेंटिटी के अनुसार नकली पेपर्स भी बनवा लिए थे।
कैलाश सिंह अभी कुछ समय पहले तक फिजी में ही पोस्टेड थे। रबू का प्रशासन द्वारा भारतीयों के ऊपर किए जाने वाले अत्याचार और हिंदू मां बहनों के साथ होने वाले दुष्कर्म को उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। सुबह से दिल्ली वापस आने के बाद एक भी रात ऐसी नहीं गुजरी थी जब वो चैन की नींद सो पाए हों। यही कारण था कि हरियाणा का ये जाट अब बहुत ज्यादा गुस्से में था और किसी भी कीमत पर रबू का से बदला लेना चाहता था। सिडनी के उत्तरी इलाके में ग्रीनविच नामक एक बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण उपनगर बसा हुआ है। आज की शाम यहाँ बने एक पुराने अंग्रेजी बंगले के बाहर लंबी सी काले रंग की एक गाड़ी आकर रुकती है। थोड़ी देर बाद कैलाश सिंह और संजीव सहगल इस गाड़ी से नीचे उतरते हैं और बरामदे में बैठे अनुपम मलिक की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। अंग्रेजों द्वारा 200 साल पहले बनाए गए इस विशालकाय बंगले में ऑपरेशन फिजी का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर सेटअप किया गया है। संजीव सहगल को साइओप्स यानी के साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का जिम्मा सौंपा गया था। कैलाश सिंह को रबुका के विरोधी खेमे के अंदर सेंध लगाने और उसके विरुद्ध प्रदर्शनों की संख्या में तेजी लाने का दायित्व दिया गया था। थ्री एवेंजर्स के तीसरे और सबसे वरिष्ठ एजेंट अनुपम मलिक को इस पूरे ऑपरेशन का सुपरवाइजर बनाया गया था। उनका काम फिजी में ऑपोजिशन और भारतीयों को पैसे और हथियार उपलब्ध कराने के लिए एक अंडरग्राउंड नेटवर्क की स्थापना करना था। ये एक एक्सक्लूसिव ऑपरेशन था। इसका मतलब ये था कि थ्री अवेंजर्स को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में डिप्लॉयड दूसरे आरएनडब्ल्यू एजेंट्स के साथ संपर्क साधने या उनसे मदद लेने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। सिडनी में हुई तीनों एवेंजर्स की इस मीटिंग के तुरंत बाद ही एजेंट सहगल मीडिया में अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। इन कॉन्टैक्ट्स को यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ऐसे मीडिया अभियान चलाने थे जो फिजी में लोकतंत्र की वापसी का दो टूक शब्दों में समर्थन करते हों। इसीलिए आने वाले दिनों में एजेंट सहगल मोटी रकम खर्च करके इन देशों के जाने माने पत्रकारों और अखबार मालिकों को अपनी तरफ करने में लग जाते हैं। आरएनडब्ल्यू अपनी इस रणनीति के द्वारा एक तीर से दो नहीं बल्कि तीन शिकार करना चाहता था। एक तरफ तो रबुका के ऊपर इतना ज्यादा अंतरराष्ट्रीय दबाव बनता रहे कि वो खुलकर भारतीयों के ऊपर अत्याचार ना कर पाए। दूसरी तरफ फिजी में रोजाना उसके खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों में तेजी आती रहे और तीसरी तरफ उसके फौजियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किसी तरह भारतीयों तक पैसे, हथियार और जरूरी ट्रेनिंग भी पहुंचती रहे। कुछ हफ्तों बाद एजेंट कैलाश सिंह अपने एक पुराने एसेट बेंजामिन टेलर को मिलने के लिए वेलिंगटन बुलाते हैं। टेलर न्यूजीलैंड में एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का मालिक था और देश के कई बड़े नेताओं के साथ उसके काफी अच्छे संबंध थे। कैलाश ऐसे ही कुछ नेताओं को अपनी तरफ कर रबुका के खिलाफ और बवाद्रा के पक्ष में समर्थन हासिल करना चाहते थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसों से यहाँ के पॉलिटिशियंस का समर्थन खरीद सकते हो? थोड़ा सा चिढ़ाते हुए टेलर ये कहता है तो कॉफी पी रहे एजेंट कैलाश उत्तर देते हैं, नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि मुझे पता है कि मैं पैसों से तुम्हारे नेताओं का समर्थन खरीद सकता हूँ। कैलाश के मुँह से ये सुन थोड़ी देर तक हंसने के बाद टेलर आगे कहता है, ठीक है लेकिन ये सस्ता सौदा नहीं होने वाला। तुम्हें पैसा गड्डियों के हिसाब से नहीं बल्कि सोने की ईंटों के हिसाब से खर्च करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। और हाँ, बाद में ये भी मत कहना कि इन साले नेताओं ने मुझे लूट लिया। टेलर की ये बात खत्म होते ही एजेंट कैलाश अपना कप बड़ी सावधानी से नीचे रखते हैं, अपनी जेब से एक सिगरेट निकालकर जलाते हैं और एक लंबा सा कश भरने के बाद कहते हैं, वहाँ फिजी में भारतीयों के खिलाफ युद्ध छिड़ा हुआ है, अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो शायद वहाँ एक भी भारतीय नहीं बचेगा। टेलर, हमारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में अगर पैसे से हमारे भाई बहनों की जान बचाई जा सकती है तो तुम बस मुझे जगह और टाइम बता दो, मैं तुम्हारे लिए सोने से लदे ट्रकों की लाइन लगा दूंगा। टेलर के चेहरे से वो मुस्कुराहट पूरी तरह गायब हो जाती है। वो समझ जाता है कि इस बार आरएनडब्ल्यू कुछ ज्यादा ही गंभीर है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस कुछ दिनों का टाइम दे दो। ये कहने के बाद बेंजामिन टेलर एजेंट कैलाश से आज्ञा लेता है और वहां से निकल जाता है। इस मीटिंग के ठीक दो हफ्ते बाद वो कैलाश को न्यूजीलैंड के एक ऐसे बड़े नेता के बारे में बताता है जो फिजी में रबुका प्रशासन का कट्टर आलोचक था। इस पॉलिटिशियन को कोड नेम दिया गया था ARC और ये रबुका के विद्रोही और उस समय जेल में बंद फिजी के विस्थापित प्रधानमंत्री टिमोकी बवाद्रा को वापस पावर में लाना चाहता था।
आने वाले कुछ हफ्तों में कैलाश सिंह और एआरसी के बीच कई मीटिंग्स होती हैं, जिनमें रबुका के खिलाफ चलाए जाने वाले मीडिया अभियान की रूपरेखा पर काम किया जाता है। '1988 भी खत्म होने को आ गया था। जल्द ही रिजल्ट देने के दबाव में काम कर रही R&AW के लिए जहां समय बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा था, वहीं फीजी में रह रहे भारतीयों के लिए तो मानो बिल्कुल रुक सा गया था। कर्नल रबुका आए दिन भारतीय विरोधी कानून और नियम बनाए जा रहा था, और ऐसा ही एक नियम था इंटरनल सिक्योरिटी रूल, जिसके तहत फीजी में रहने वाले किसी भी भारतीय को हथियार रखने के आरोप में बिना कोर्ट वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। रबुका के इस नए नियम से प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों ही काफी नाराज होते हैं और R&AW के ऊपर दबाव कई गुना और बढ़ जाता है। लेकिन ऊपर से आ रहे सारे दबाव के बावजूद AK वर्मा और उनके तीनों एवेंजर्स को अच्छे से पता था कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर और साइओप्स में रिजल्ट रातों रात नहीं आते। वैसे तो ये तीनों एवेंजर्स ऐसी घटनाओं से दूर रहने का पूरा प्रयास कर रहे थे जो ऑपरेशन में विलंब पैदा कर सकती थीं, लेकिन फिर भी जासूसी की दुनिया में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती। एक मिशन के दौरान जहां कई अजनबी आपके अच्छे दोस्त बनते हैं, तो वहीं कुछ अच्छे दोस्त दुश्मन भी। नवंबर 1988 के मध्य में एजेंट अनुपम मलिक और संजीव सहगल एक्नोवा नाम की एक 25 वर्षीय महिला से मिलते हैं। ये महिला फीजी सरकार के विदेश विभाग में नौकरी करती थी और इसके मामा मामी न्यूजीलैंड में रहा करते थे। सहगल द्वारा न्यूजीलैंड में भर्ती किया गया एक एसेट इस महिला को लेकर आया था और सहगल ने खुद इसका बैकग्राउंड चेक किया था। काफी देर चली बातचीत के बाद एक्नोवा R&AW के लिए काम करने को तैयार हो जाती है और उसके सुबह लौटने से दो दिन पहले एजेंट मलिक उसे उसके मिशन के ऊपर डिटेल्ड ब्रीफिंग और हाई लेवल टारगेट्स की एक सूची भी दे देते हैं। फीजी वापस लौटने के बाद एक्नोवा को इन टारगेट्स के ऊपर इंटेलिजेंस इकट्ठा करके कोडेड भाषा में रिपोर्ट्स तैयार करनी थी और फिर इन रिपोर्ट्स को सुबह की ही एक बुकशॉप में पहले से निशान लगाई गई शेल्फ्स के अंदर छिपा देना था। इस पहले डबल एजेंट की भर्ती के ठीक एक महीने बाद एजेंट कैलाश सिंह को फीजी के एक ऐसे बहुत ही वरिष्ठ सिविल कर्मचारी के बारे में पता चलता है जो रबुका के फौजी शासन से बहुत ज्यादा नाराज चल रहा था। फिलिप नाम का ये 55 वर्षीय फिजियन अधिकारी रबुका और उसके फौजियों से इतना ज्यादा नाराज हो चुका था कि अब कुछ भी करके फीजी छोड़ ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहता था, लेकिन उसकी समस्या ये थी कि उसके पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं थे। दिसंबर 1988 की एक शाम एजेंट कैलाश एडिलेड की एक कॉफी शॉप में प्रवेश करते हैं जहां फिलिप भी मौजूद था। टाइम पूछने का बहाना बना वो फिलिप के पास जाते हैं और फिर इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। करीब एक घंटे की बातचीत और 10 कप कॉफी पीने के बाद अचानक ही एजेंट कैलाश उससे पूछते हैं, दोस्त एक बात बताओ कि आजकल ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए कितना खर्चा आता है? ये सुनते ही फिलिप के चेहरे का रंग उड़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और कॉफी कप से छलक कर मेज पर गिरने लगती है। वो सोचने लगता है कि ऑस्ट्रेलिया सेटल होने वाली ये बात उसने आज तक किसी को नहीं बताई, तो फिर इस आदमी को कैसे पता हो सकती है। इससे पहले कि फिलिप कुछ बोल पाता, एजेंट कैलाश आगे कहते हैं, घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त ही समझो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा घबरा चुका फिलिप कॉफी का कप नीचे रख देता है, मेज पर रखा पानी का ग्लास उठाता है और एक सांस में पूरा ग्लास खाली करने के बाद कहता है, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, लेकिन तुम कौन हो और मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? मैं इंडियन एम्बेसी में काम करता हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिलिप को पूरी बात समझाते हुए एजेंट कैलाश कहते हैं, तुम्हें बस फीजी के कुछ नेताओं और फौजी अफसरों के पर जानकारी इकट्ठी करके मुझे देनी होगी। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हें परिवार समेत यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सेटल करवा सकते हैं। पानी का एक और ग्लास खाली करने के बाद फिलिप एजेंट कैलाश से पूछता है, क्या मुझे एक सिगरेट मिल सकती है? एजेंट कैलाश फिलिप के ऊपर सारी जानकारी इकट्ठा कर चुके थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट में धूम्रपान का कोई जिक्र नहीं था। इसीलिए थोड़े से अचंभित कैलाश फिलिप से पूछते हैं, तुम सिगरेट पीते हो? नहीं नहीं, पीता नहीं हूँ, लेकिन पीता था। सिगरेट छोड़े मुझे पूरे 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी के अभी अगर मुझे एक सिगरेट नहीं मिली तो मेरा ये सर टेंशन के मारे फट जाएगा।
फिलिप जोर से चिल्लाता है और उस कॉफी शॉप में मौजूद सारी आंखें उसकी तरफ घूम जाती हैं। तभी अपने चेहरे पर नकली हंसी लाते हुए कैलाश पीछे वाली मेज पर बैठे एक आदमी से सिगरेट मांगते हैं और सुलगाकर फिलिप को दे देते हैं। सिगरेट पीते पीते फिलिप अपने आप से कुछ बड़बड़ाता रहता है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय था। वो अच्छे से जानता था कि यदि वो पकड़ा गया तो रबू का प्रशासन उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी देशद्रोह के चार्ज में जेल के अंदर डाल देगा। अपनी सिगरेट खत्म कर मेज पर रखी एस्ट्रे में बुझाने के बाद फिलिप कैलाश से कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। ये कहने के बाद फिलिप अपने लिए एक और कॉफी ऑर्डर करता है और फिर एजेंट कैलाश को बताता है कि रबुका फिजियन पुलिस के सभी वरिष्ठ ऑफिसर्स को नौकरी से निकालने वाला है। फिलिप बताता है कि फौजी की तरह पुलिस के भी सभी ऊंचे पदों पर रबुका अपने लोगों को लाना चाहता है। फिलिप से मिली इस पहली इंटेलिजेंस के साथ ही एजेंट कैलाश उससे हाथ मिला अपनी डील को फाइनल करते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लगभग एक महीने बाद फिलिप एजेंट कैलाश को एक पैकेट भेजता है। इस पैकेट में उन लोगों के नाम थे जिनको फिजियन आर्मी पुलिस और दूसरे सरकारी विभागों में ऊंचे ऊंचे पदों के ऊपर नियुक्त किया जाना था। इसके अलावा फिलिप फिजी के एक ऐसे बहुत ही बड़े प्रेस मालिक का नाम भी भेजता है जो भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखता था और थोड़ा सा प्रयास करने पर तीनों एवेंजर्स के कहे अनुसार खबरें छापने को भी तैयार हो सकता था। फिजी में तख्ता पलट हुए 2 साल हो चले थे। रबुका के विरुद्ध प्रदर्शन अपने चरम पर थे और फिजियन मीडिया के साथ साथ विदेशी प्रेस में भी रोज उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। रॉ के 3 एवेंजर्स का यह ऑपरेशन फिजी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसा कि वो चाहते थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरे ऑपरेशन को खटाई में डालने वाला था। अगस्त 1989 की एक सुबह सिडनी के कमांड सेंटर में तीनों एवेंजर्स ऑपरेशन की क्लैंडेस्टाइन रिपोर्ट्स का रिव्यू कर रहे थे कि तभी उनको बेंजामिन टेलर से कोडेड मैसेज मिलता है और जब एजेंट कैलाश इस मैसेज को डिकोड करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस मैसेज के अनुसार फिलिप और एक्नोवा उनके साथ धोखा कर चुके थे। अगले दिन टेलर एजेंट मलिक को बताता है कि ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ASIS को सूचना मिली है कि 3 भारतीय जासूस ऑस्ट्रेलियन धरती के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। अब टेलर को ये डर सता रहा था कि जल्द ही ऑस्ट्रेलियन एजेंसी में 3 एवेंजर्स के ऊपर सवाल उठने लगेंगे और उनके साथ साथ वो भी मारा जाएगा। एजेंट मलिक के कहने पर टेलर ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस में अपने कॉन्टैक्ट से संपर्क करता है जो उसे बताता है कि एक्नोवा नहीं बल्कि फिलिप ने ये जानकारी लीक की है। हुआ कुछ यूं था कि फिलिप का एक जवान यूरोपियन लड़की के साथ अफेयर चल रहा था जो सुवा में ही रहती थी। अपनी इस खूबसूरत गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में फिलिप ने उसे ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने और R&AW के साथ हुई अपनी डील के बारे में सब कुछ बता दिया था। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुई इस बातचीत की अगली ही शाम रबुका के फौजियों ने फिलिप को उसके घर से उठा लिया था और फौज के साथ बिताए कुछ घंटों में ही वो 3 एवेंजर्स को डबल क्रॉस करने के लिए तैयार हो गया था। फिलिप के पकड़े जाने के एक महीने बाद रबुका के 3 सबसे शातिर अंडरकवर फौजी सिडनी में लैंड करते हैं। लैंड करते ही ये तीनों सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन ऑफिस जाते हैं और वहां पर कर्मचारियों से कैलाश सिंह नामक एक भारतीय की पहचान करने में मदद मांगते हैं। अब कैलाश सिंह कोई नॉर्मल से सिविलियन होते तो एक बार को इनका रिकॉर्ड इमिग्रेशन के ऑफिस में मिल भी जाता, लेकिन वो तो अंडरकवर जासूस थे। वो तो नकली पासपोर्ट और पेपर्स बनवाकर अंडरकवर ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट कर रहे थे और कैलाश सिंह उनका असली नाम तक नहीं था। इसीलिए इमिग्रेशन ऑफिस के कर्मचारी इन तीनों फिजियन फौजियों की मदद नहीं कर पाते। इसके बाद ये तीनों फिजियन एम्बेसी के एक ऑफिसर को पूछताछ करने के लिए भारतीय एम्बेसी भेज देते हैं, लेकिन वहां भी किसी कैलाश सिंह नामक भारतीय का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाता। रबुका ने अपने इन तीनों फौजियों को बिल्कुल साफ आदेश दिए थे कि उन्हें कुछ भी करके R&AW के ऑपरेटिव्स को या तो एक्सपोज करना है या फिर न्यूट्रलाइज, और ऐसा करने के लिए उन्हें हर प्रकार की अनुमति, खुली छूट और सारी ऑप्शंस दी गई थी। लेकिन एक ऑप्शन जो उन्हें नहीं दी गई थी वो ये कि वो खाली हाथ अपने देश वापस नहीं लौट सकते थे।
उधर रबुका के इन तीनों फौजियों की भनक लगते ही तीनों एवेंजर सिडनी के अपने बेस को रातों रात ताला लगा के सारे सबूत मिटा के मेलबर्न शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन ये तीनों जानते थे कि ऐसे भागते रहना इस समस्या का हल बिल्कुल नहीं है। शिकार चाहे कितना ही भाग ले, आज नहीं तो कल वो शिकारी के चंगुल में फंस ही जाता है। ये तीनों अच्छे से जानते थे कि यदि उन्हें इस समस्या से बचना है, निजात पाना है, तो उन्हें पलटकर शिकारी का शिकार करना होगा। उधर सिडनी का कोना कोना छान रहे रबुका के तीनों फौजी ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस के एक एजेंट से संपर्क कर उससे कैलाश सिंह के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। जेम्स हिल नाम का एजेंट इन तीनों को बताता है कि उसने कैलाश का नाम सुना हुआ है और वो एक ऐसे आदमी को भी जानता है जो उन्हें कैलाश तक पहुंचा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अच्छा खासा खर्चा करना पड़ेगा। ये सुनते ही इन तीनों फिजियंस की बांछें खिल जाती हैं और वो तुरंत जेम्स की सारी मांगें पूरी करने को तैयार हो जाते हैं। अगले दिन रात को जेम्स हिल रबुका के तीनों ऑफिसर्स को सिडनी में स्थित एक सेफ हाउस लेकर जाता है। कैलाश की जानकारी रखने वाला आदमी सेफ हाउस में पहले से इन चारों का इंतजार कर रहा था। सिडनी के बाहरी इलाके में बने इस बड़े से घर के बाहर पहुंचकर जेम्स अपनी जेब से चाबी निकालता है और दरवाजे का ताला खोल अंदर की तरफ चलना शुरू कर देता है। उसके पीछे पीछे तीनों फिजियन ऑफिसर्स भी बड़ी सावधानी से अंदर घुसने लगते हैं और जैसे ही ये तीनों ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं तो उनके सामने एक बड़े से सोफे पर बेंजामिन टेलर होता है। चारों तरफ अच्छे से नजरें घुमाने के बाद रबुका के तीनों ऑफिसर्स टेलर के सामने वाले सोफे पर बैठ जाते हैं और जेम्स हिल टेलर के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। हाँ तो जेंटलमैन, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अपने हाथ में बियर का पाइंट लिए टेलर इन तीनों से ये पूछता है तो इनमें से एक आदमी उत्तर देता है, हम रॉक एक एजेंट को ढूंढ रहे हैं जो आजकल कैलाश सिंह के नाम से यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ही ऑपरेट कर रहा है। इस फिजियन ऑफिसर की ये बात सुन थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद टेलर कहता है, ठीक है मान लो मैंने तुम्हें उस तक पहुंचा दिया तो फिर क्या करना, क्या चाहते हो उसके साथ। टेलर का ये सवाल सुन रबुका के तीनों फौजी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कुछ सेकंड बाद फिर से वही आदमी उत्तर देता है, बस ऐसे ही कुछ सवाल जवाब करने हैं, वो क्या कर रहा है उसके साथ और कौन कौन है, बिल्कुल रूटीन से सवाल है, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा अगर ये बात है तो उससे मिलने की क्या जरूरत है, ये सारी जानकारी तो मेरे पास भी है। अपनी बियर को मेज पर रखते हुए टेलर ये कहता है तो तीनों फिजियन ऑफिसर्स थोड़ा सा चौंक जाते हैं और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते टेलर आगे कहता है, कैलाश अकेला नहीं है, उसके साथ दो और एजेंट्स हैं और रॉ में इन तीनों को थ्री एवेंजर्स के नाम से जाना जाता है। सोफे से खड़े होते हुए टेलर अपनी बात आगे जारी रखता है, वैसे कैलाश से मिलने से कहीं अच्छा है कि तुम उसके बॉस से मिल लो, उसके पास तुम्हारे सारे सवालों के जवाब होंगे, बोलो क्या कहते हो। टेलर के मुंह से सुनहरे शब्द सुन रबुका के तीनों ऑफिसर्स मन ही मन खुशी के मारे गुलाटियां मारने लगते हैं। तुम सच में हमें उसके बॉस तक पहुंचा सकते हो, एक काम करो हमें उन तीनों तक पहुंचा दो, इसके बदले हम तुम्हें माला माल कर देंगे। शुरुआत से ही बिल्कुल चुपचाप बैठा रबुका का एक फौजी ये कहता है तो टेलर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर अचानक ही चुप हो जाता है। एक एक कर इन तीनों फिजियंस को सर से पांव तक घूरता है और फिर जेम्स की तरफ आंख मारते हुए कहता है, अरे भाई बिल्कुल पहुंचा सकता हूँ और पहुंचा क्या सकता हूँ, तुम तो अपने आप ही उन तक पहुंच चुके हो। टेलर का ये वाक्य खत्म होते ही साथ वाले कमरे का दरवाजा खुलता है और एक के पीछे एक अपने हाथों में बंदूक लिए तीन आदमी बाहर निकलने लगते हैं। इससे पहले के तीनों फिजियंस कुछ समझ पाते अपनी कमर से गन निकालते हुए टेलर कहता है, जेंटलमैन ये ही है रॉक के वो एजेंट जिनको आप ढूंढ रहे थे, प्लीज मीट द थ्री अवेंजर्स। इस रात के बाद रबुका के इन तीन अत्यंत खतरनाक ऑफिसर्स को ऑस्ट्रेलिया में दोबारा कभी नहीं देखा जाता। खुद रबुका और उसके आदमी फिजियन एम्बेसी से लेकर हर उस जगह फोन घुमाते हैं जहां से उनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिल सकती थी, लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद भी रबुका प्रशासन को अपने इन ऑफिसर्स का कोई पता नहीं चल पाता। रबुका शायद नहीं जानता था लेकिन अपने जिन ऑफिसर्स को शिकारी समझ उसने रॉ का शिकार करने ऑस्ट्रेलिया भेजा था वो खुद रॉ के हाथों शिकार बन चुके थे।
अब ऑपरेशन फिजी अपने चौथे चरण में प्रवेश कर जाता है और इस चरण के तहत R&AW फिजी के वरिष्ठ फौजी अफसरों के लिए अपनी तिजोरियों के मुंह खोल देती है। पैसे की सहायता से ऐसे फौजी अफसरों को अपनी तरफ मिलाया जाता है जो लोकतंत्र में विश्वास रखते थे और वास्तव में अपने देश के अंदर चुनाव होते हुए देखना चाहते थे। लेकिन इस समय फिजी के अंदर चुनाव करवाने में एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि फिजियन मूल के वो लोग जिनकी संख्या लाखों में थी रबुका का समर्थन कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि यदि रबुका चुनाव लड़ने का निर्णय करता तो उसके जीतने के पूरे पूरे चांसेस थे। उधर भारत में बोफोर्स नाम का भूचाल आया हुआ था और वीपी सिंह ने खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस सारे बवाल के बीच 3 नवंबर 1989 के दिन फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री टिमोकी बवाद्रा का निधन हो जाता है। 55 वर्ष के बवाद्रा ने कैंसर के चलते फिजी के लाउतोका नामक शहर में अपनी आखिरी सांसें ली थी। 1987 में प्रधानमंत्री बने बवाद्रा एक महीने ही सरकार चला पाए थे कि रबुका ने विद्रोह कर उन्हें कुर्सी से हटा दिया था। राजीव गांधी तुरंत राज्यसभा की उपसभापति नजमा हेपतुल्ला को बवाद्रा के अंतिम संस्कार में शामिल होने फिजी भेज देते हैं। ये भारत सरकार और ऑपरेशन फिजी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। रबुका के विरुद्ध बवाद्रा को खड़ा करने के लिए R&AW पैसों और प्रयासों के साथ साथ काफी समय भी खर्च कर चुकी थी। देखते ही देखते एक और साल बीत चुका था। ऑपरेशन फिजी के तहत रबुका की फौज के दो और काफी वरिष्ठ ऑफिसर्स को R&AW द्वारा भर्ती किया जा चुका था। फिजी में रॉ के एसेट्स लगातार प्रशासन की गतिविधियों पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहे थे और भारतीयों पर होने वाले अटैक्स में भी काफी कमी आ चुकी थी और यही वो बात थी जिससे तीनों एवेंजर्स को सबसे ज्यादा संतुष्टि मिल रही थी। असल में इन तीनों एजेंट्स ने फिजियन आर्मी में सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले सैनिकों को पैसा खिलाना शुरू कर दिया था क्योंकि यही वो लोग थे जो सड़कों चौराहों और घरों में घुस के भारतीयों को निशाना बनाया करते थे। इसीलिए थ्री एवेंजर्स ने भारतीयों की तरफ उठने वाली फौजी बंदूकों के मुंह नोट ठूस ठूस कर बंद कर दिए थे। तीनों एवेंजर्स ऑपरेशन फिजी की प्रगति से बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन खुश थे। वो खुश थे क्योंकि 2 साल पहले के मुकाबले फिजी के भारतीयों की हालत थोड़ी बेहतर हो चली थी। लेकिन खुशी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो कभी भी परमानेंट यानी के स्थायी नहीं रहती। अप्रैल 1990 में फिजियन आर्मी का एक अति वरिष्ठ अधिकारी मलिक को संदेश भेजता है कि रबुका इलेक्शंस करवाने का मन बना चुका है। वो खुद भी चुनाव लड़ेगा और उसका चुनावी मुद्दा होगा फिजी में रहने वाले भारतीयों को वापस भेजने के लिए कानून बनाना। ये संदेश मिलते ही तीनों एवेंजर्स के चेहरों पर एक मातम सा छा जाता है। लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए एजेंट मलिक फिजी लेबर पार्टी के एक बड़े नेता को फोन करते हैं। भारतीय मूल के इस नेता का कोड नेम था त्रिशूल। एजेंट मलिक चाहते थे कि आने वाले चुनावों में त्रिशूल लेबर पार्टी के टिकट पर रबुका के खिलाफ चुनाव लड़े। अब उनका ये प्लान था तो बहुत अच्छा, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या थी और इस समस्या का नाम था आवी बवाद्रा। टिमोकी बवाद्रा की विधवा जो अपने पति की मृत्यु के बाद से ही पार्टी को कंट्रोल कर रही थी और जिसको पार्टी में अच्छा खासा समर्थन भी प्राप्त था। आने वाले कुछ महीनों के दौरान त्रिशूल के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए सिडनी से एक ऑपरेशन चलाया जाता है। लेबर पार्टी में अपने कई एसेट्स का इस्तेमाल कर R&AW आवी बवाद्रा के दिमाग में त्रिशूल को पार्टी चीफ नियुक्त करने का आइडिया प्लांट करवा देती है। फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और UK की प्रेस में इस नेता की तारीफों से भरे लेख छपवाए जाते हैं और फिजी के कई शहरों में समर्थन रैलियां भी निकलवाई जाती हैं। अपने इस ऑपरेशन त्रिशूल को सफल बनाने के लिए एजेंट मलिक एड़ी से लेकर चोटी तक का सारा जोर लगा देते हैं, एक भी चीज को चांस पर नहीं छोड़ते और उनकी ये मेहनत रंग भी लाती है। 1990 के अंत में आवी बवाद्रा के प्रस्ताव पर त्रिशूल को लेबर पार्टी का नया चीफ नियुक्त कर दिया जाता है। इसका मतलब ये था कि यदि अब किसी तरह चुनाव लेबर पार्टी के पक्ष में चले जाएं तो एक भारतीय मूल का व्यक्ति फिजी का प्रधानमंत्री बन सकता था। जून 1991 में 43 वर्षीय सितिवेनी रबुका SVT नामक एक राजनीतिक दल बना घोषणा करता है कि चुनाव अगले साल यानी कि 1992 में करवाए जाएंगे।
चुनावों में फौजी प्रशासन द्वारा भरपूर हेराफेरी किए जाने के बावजूद भी रबुका की पार्टी पार्लियामेंट की 70 सीटों में से केवल 30 पर ही जीत पाती है। इसका मतलब ये था कि रबुका दूसरी पार्टियों से समर्थन लिए बिना सरकार नहीं बना सकता था। इधर चुनाव के नतीजे आते हैं और उधर एजेंट मलिक लेबर पार्टी में अपने एक भारतीय मूल के एसेट को एक्टिवेट कर देते हैं। रबुका से मिल रॉका यह एसेट प्रस्ताव रखता है कि लेबर पार्टी केवल एक ही शर्त पर उसको समर्थन दे सकती है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो संविधान में किए गए उन सभी बदलावों को वापस ले लेगा जो भारतीयों के साथ भेदभाव करते हैं। रबुका ये डील स्वीकार तो कर लेता है लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद संविधान में बदलाव लाने के प्रस्ताव को बार बार टालता रहता है। लेकिन क्योंकि उसकी सरकार लेबर पार्टी के समर्थन पर खड़ी हुई थी इसीलिए भारतीयों के साथ होने वाले अत्याचार लगभग खत्म हो चुके थे और भारतीयों से नफरत करने वाला प्रधानमंत्री रबुका अब चाहते हुए भी उनके खिलाफ कोई खास कार्यवाही नहीं कर पा रहा था। फिजी में लेबर पार्टी के समर्थन वाली सरकार बन चुकी थी लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि R&AW के एसेट स्लीप मोड में चले गए थे। रबुका प्रशासन और दूसरे विभागों में ऑपरेट कर रहे R&AW के सारे एसेट्स अभी भी पूरी तरह एक्टिव थे और प्रशासन में चल रहे घोर भ्रष्टाचार के ऊपर इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में लगे हुए थे। फिजी में आम चुनाव होने के बाद थ्री एवेंजर्स को भी दिल्ली वापस बुला लिया जाता है लेकिन दिसंबर 1992 में एजेंट मलिक का एक एसेट उन्हें सिडनी से एक केबल भेजता है। इस एसेट का कोड नेम था ब्रेडी और अपने इस केबल में उसने थ्री एवेंजर्स को बस इतना ही संदेश दिया था कि जल्द से जल्द पहली फ्लाइट पकड़ के सिडनी आ जाओ। अगले ही दिन तीनों अवेंजर्स सिडनी पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ब्रेडी से मिलना था जो अभी अभी फिजी से वापस लौटा था। आज की रात उसने एक पार्टी रखी थी और वहीं उसकी मुलाकात तीनों अवेंजर्स से होने वाली थी। इस पार्टी के दौरान सबसे खूब बातें करने के बाद ब्रेडी एजेंट मलिक को एक कमरे में लेकर जाता है जहां एक टीवी और VCR रखा हुआ था। यार ब्रेडी मैं पिक्चर देखने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, थोड़े से उत्सुक और बहुत ज्यादा थके हुए एजेंट मलिक ये कहते हैं तो उनकी तरफ बैठने का इशारा करते हुए ब्रेडी अपनी जेब से एक वीडियो कैसेट निकालता है और VCR में लगाकर चला देता है। अरे सर ये कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं है, आप इसके प्रोड्यूसर हो और मैं इसका डायरेक्टर और हीरो को देखकर तो आप जोर जोर से उछल नहीं लगोगे। ये कहकर मुस्कुराता हुआ R&AW का ये एसेट एजेंट मलिक के साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। टीवी पर पिक्चर शुरू हो जाती है और कुछ सेकंड बाद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि ब्रेडी ने कहा था, एजेंट मलिक जोर जोर से उछल रहे होते हैं। अरे ये तो रबुका है ब्रेडी, ये तो रबुका है। टीवी के बिल्कुल पास जाकर एजेंट मलिक जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और फिर ब्रेडी को कसकर अपने गले लगा लेते हैं। मेड इन जापान टीवी पर चल रही इस पिक्चर में फिजी का प्रधानमंत्री सितिवेनी रबुका बिल्कुल नग्न अवस्था में एक जवान महिला के साथ सेक्स करता हुआ दिखाई पड़ रहा था और मजे की बात ये थी कि ये महिला किसी भी एंगल से मिसेज रबुका नहीं लग रही थी। ठीक 6 महीने पहले सिडनी में एक्टिव ब्रेडी को इंटेलिजेंस मिली थी कि रबुका वैश्याओं का बहुत ज्यादा शौक रखता है और वो भी केवल यूरोपियन वैश्याओं का। इस इंटेलिजेंस के अनुसार पिछले कुछ सालों में रबुका का ये शौक एक लत बन चुका था और अपनी इस लत को पूरा करने के लिए वो पैसा पानी की तरह बहा रहा था। ये इंटेलिजेंस मिलते ही ब्रेडी इस काम को करने वाली यूरोपियन मूल की महिलाओं से मिलना शुरू कर देता है और इसी दौरान मेलबर्न में उसकी मुलाकात एक अत्यंत खूबसूरत महिला से होती है जो अपने 6 लोगों के परिवार को पालने के लिए मजबूरी में ये काम कर रही थी। 26 वर्षीय इस महिला का नाम लिली था और इसकी कहानी में एक अवसर को भांपते हुए ब्रेडी ने रोज इससे मिलना शुरू कर दिया था। ब्रेडी और लिली को मिलते हुए कुछ हफ्ते हो चले थे। ब्रेडी रोज रात को उसे एक 5-सितारा होटल के कमरे में लेकर जाता और अगले दिन सुबह उसे उसके घर वापस छोड़ देता। ऐसी एक रात थोड़ी हिम्मत कर ब्रेडी लिली के सामने अपना प्रस्ताव रख देता है। वो उससे कहता है कि यदि वो फिजी जाकर उसका एक काम करती है तो उसे जीवन में कभी भी दोबारा अपने आप को बेचना नहीं पड़ेगा। ब्रेडी का यह प्रस्ताव सुन बहुत बुरी तरह घबरा चुकी लिली कुछ घंटों की बातचीत के बाद उसका एक काम करने के लिए तैयार हो ही जाती है। अगले कुछ हफ्तों तक लिली को स्पाई टेक्निक्स और सेल्फ डिफेंस के ऊपर ट्रेनिंग देने के बाद ब्रेडी उसके साथ फिजी की राजधानी सुवा के लिए निकल जाता है।
सूबा पहुंचने के बाद ब्रेडी रबू का प्रशासन में एक्टिव RNAW के एक एसेट से संपर्क करता है। ये एसेट उस आदमी को बहुत अच्छे से जानता था जो रबूका को यूरोपियन वेश्याएं उपलब्ध करवाने का काम किया करता था। RNAW का ये एसेट ब्रेडी को बताता है कि रबूका एक 5-सितारा होटल में वेश्याओं के साथ अपनी रातें गुजारता है। उसके लिए महिलाओं को इस होटल के रूम नंबर 513 में लाया जाता है और ये कमरा हमेशा उसके नाम पर ही बुक रहता है। इस जानकारी से लैस ब्रेडी और उसके साथ RNAW का एक दूसरा एसेट जिसका कोड नेम था क्वानो, इस होटल के कर्मचारी को पैसे खिला रूम नंबर 513 की एक नकली चाबी बनवा लेते हैं। इसके बाद क्वानो रूम नंबर 513 के ठीक नीचे स्थित रूम नंबर 413 को कई दिनों के लिए बुक करवा लेता है और ये दोनों स्पाइस इस कमरे में अपना इक्विपमेंट सेटअप करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन सफाई कर्मचारियों का भेष धारण कर ब्रेडी और क्वानो रूम नंबर 513 में घुसते हैं और कमरे के अंदर जगह जगह स्पाई कैमरे इंस्टॉल कर देते हैं। नवंबर 1992 में एक दिन RNAW का एसेट लिली को रबूका के दलाल से मिलवा देता है और ये दलाल अगली रात लिली के साथ कुछ और लड़कियों को ले रबूका के होटल पहुंच जाता है। इन सभी लड़कियों को थोड़ी देर तक घूरने के बाद रबूका लिली को सेलेक्ट कर लेता है और फिर उस दलाल समेत बाकी की सभी लड़कियां कमरे से बाहर चली जाती हैं। इसके बाद इस 5-सितारा होटल के रूम नंबर 513 में जो भी घटता है नीचे वाले कमरे में बैठे ब्रेडी और क्वानो उसका लाइव ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं। कामदेव के वश में आ चुके रबूका को इस समय ये नहीं पता था, लेकिन वो दुनिया के सबसे पहले बिग बॉस का हिस्सा बन चुका था और इसके रिलीज होने के बाद उसकी TRP ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाने वाली थी। ब्रेडी को लाखों बार धन्यवाद देने के बाद एजेंट अनुपम मलिक उससे ये कैसेट लेते हैं और अगली ही फ्लाइट से कैलाश और संजीव के साथ नई दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली में इस कैसेट की कई सारी कॉपीज बनवाई जाती हैं और फिजी में मीडिया के साथ साथ फौजी अफसरों और फिजियन मूल के उन कट्टरवादी नेताओं को भी भिजवाई जाती हैं जिनके समर्थन के ऊपर रबूका की कुर्सी टिकी हुई थी। RNAW द्वारा निर्मित इस बिग बॉस का नतीजा ये होता है कि कुछ ही समय के अंदर अंदर रबूका की बदनामी अपने चरम पर पहुंच जाती है। फिजियन मूल के वो नेता और संगठन जिनको भारतीयों का कट्टर विरोधी माना जाता था वो भी इस कांड के बाद रबूका से दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। कहानी का सार ये था कि अब रबूका फिजी का प्रधानमंत्री तो जरूर था लेकिन उसके राजनीतिक भविष्य के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका था। फिजी के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान को RNAW ने एक बिना दांत का हाथी बनाकर छोड़ दिया था। कुख्याति की सारी सीमाएं पार कर चुका रबूका 1999 में अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है। दोबारा चुनाव होते हैं और जहां इस बार फिजी लेबर पार्टी 70 में से 37 सीटों पर जीत हासिल करती है, वहीं रबूका की पार्टी केवल 8 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। पर लेबर पार्टी का वो नेता जो फिजी के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करता है उसका नाम था महेंद्र पाल चौधरी, AKA त्रिशूल। फिजी के भारतीयों में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है और बच्चे, औरतें, बूढ़े जवान सभी अपने अपने घरों से निकल सड़कों पर उत्सव मनाने लगते हैं। ये वो समय था जब भारत में प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रॉ चीफ तीनों ही बदल चुके थे, लेकिन थ्री अवेंजर्स अभी भी अपना काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विदेश मंत्री जसवंत सिंह के दफ्तरों में चिट्ठियों के अंबार लग जाते हैं, चिट्ठियां जिनमें फिजी के भारतीय भारत सरकार के प्रति अपना स्नेह और आभार प्रकट कर रहे थे। फिजी के भारतीयों के साथ साथ भारत सरकार और RNAW में भी खुशी मनाई जा रही थी। PMO और फॉरन ऑफिस फोन की घंटियों से गूंज रहे थे, हर तरफ से बधाई देने वाली कॉल्स आ रही थी, लेकिन फिर भी एक बात ऐसी थी जो कहीं ना कहीं सबको जरूर खटक रही थी। ये दिन देखने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी आज इस दुनिया में नहीं थे।
वो राजीव गांधी जिन्होंने ऑपरेशन फिजी को लॉन्च किया था, R&AW को असीमित बजट और लगभग हर प्रकार की कार्यकारी छूट दी थी, वो राजीव गांधी अगर आज एक भारतीय को फिजी का प्रधानमंत्री बनते हुए देख पाते तो शायद इस खुशी की मिठास कई गुना और बढ़ जाती। जल्द ही ऑपरेशन फिजी की फाइल को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया जाता है। लगभग 12 साल चले इस ऑपरेशन के दौरान भारत और भारत की राजनीति में कई बदलाव आए, कई घोटाले हुए, 5 प्रधानमंत्री और 12 विदेश मंत्री बदल गए, R&AW के 5 चीफ आकर चले गए, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो थे द 3 अवेंजर्स। भारत के 3 देशभक्त स्पाइस जो इन 12 सालों के दौरान चुपचाप अपना सर झुकाए काम करते रहे, माँ भारती के 3 लाल जिनको ना ही अपना जीवन प्यारा था और ना ही दुनिया की वाहवाही, ना ही उन्हें मेडल से कोई प्यार था और ना ही धन दौलत से। 12 सालों तक अपने परिवार अपने आराम को साइड में रख दिन रात मेहनत करने वाले इन 3 अवेंजर्स को केवल 2 ही चीजों से सच्चा प्यार था, भारत राष्ट्र की यह धरा और इस धरा से जुड़े देशवासी।